हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम इंसर्ट टैब के ही अंदर ये जो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पहला कमांड देख रहे हैं, यह है टेक्स्ट बॉक्स का कमांड। और दोस्तों, हम हमारे डॉक्यूमेंट में हमें जहाँ चाहे वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स देने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। चाहे तो आप इसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स डाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इस टेक्स्ट बॉक्स को जहाँ चाहे वहाँ पे ड्रैग करके हमें इस डॉक्यूमेंट में कहीं और क्लिक करना होगा। देखिए, मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये डमी इन्फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे कि आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एडिट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग इसको डिलीट करके आप यहां पे अपना इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाने के कहीं और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको फिलहाल अभी हटाता हूँ। अब मैं फिर से इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। इसका नाम है बैंडेड साइड बार। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे डॉक्यूमेंट में साइड में रखने के लिए यूज़ होता है। देखिए, मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे डॉक्यूमेंट में साइड में आ चुका है। हम इसको हमारे ज़रूरत के मुताबिक अलाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग किया, तो अब मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ये हमारे डॉक्यूमेंट में साइड में सेट हो चुका है। और दोस्तों, आप यहाँ भी ये जो टेक्स्ट हैं, इन्हें हटा के आप अपना इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइड बार का टाइटल जो है, इसको भी आप लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो कॉर्नर में भी टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिलहाल मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब मैं फिर से इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में जाता हूँ और अब हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट कमांड के ऊपर, जिसका नाम है क्विक पार्ट्स। दोस्तों, ये जो क्विक पार्ट का कमांड है, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर एक्सेट्रा। दोस्तों, अब हम एक के बाद एक करके देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्विक पार्ट्स का मतलब है, हम हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कुछ पार्ट्स को ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। जैसे कि कभी हमें हमारे कंपनी के एड्रेस डालना हो, तो हम एक ही क्लिक से उस कंपनी के एड्रेस को जहाँ चाहे वहाँ ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। उसको पहले से ही फीड करके रखना होता है दोस्तों। और इन क्विक पार्ट्स को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का टाइटल हुआ, ऑथर नेम हुआ और डेट एंड टाइम, इस तरह के कई सारे क्विक पार्ट्स अपने डॉक्यूमेंट में आप लोग जहाँ चाहे वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम एक के बाद एक ऑप्शन को देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, यह है ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन। दोस्तों, ये ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिख रहे हैं तो हमें बस उसका 3-4 कैरेक्टर्स ही लिखने होंगे। बाद में हमें एंटर प्रेस कर देना होगा। एक बार एंटर प्रेस करने के बाद वो पूरा लाइन वहां पे ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए हमें पहले से ही उस लाइन को ऑटो टेक्स्ट बना के सेव करना होता है। चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मुझे पहले क्या करना होगा, मैं एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे हाई लेवल कंप्यूटिंग लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके इस क्विक पार्ट के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिख रहा है हमारे लाइन की कुछ पहले वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हाई लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये किस गैलरी में सेव होगा,
ये फिलहाल अभी ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव होगा। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी जनरल ही रहने दीजिए और अब हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन था ये ऑटो टेक्स्ट के रूप में अब सेव हो चुका है। चलिए आपको मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के हाई लेवल लिखने के लिए स्टार्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ये दिखा रहा है हाई लेवल कंप्यूटिंग, प्रेस एंटर टू इंसर्ट। दोस्तों जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हाई लेवल कंप्यूटिंग का ये पूरा लाइन इंसर्ट हो जाएगा। देखिए मैं अभी एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये अभी पूरा लाइन यहाँ पे एंटर हो चुका है। इसका मतलब पहले हमें इस लाइन का कुछ पार्ट यहाँ पे टाइप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हमें 4 लेटर्स को टाइप करना होता है। बाद में यहाँ पे ये सजेशन दे देता है कि यहाँ पे हाई लेवल कंप्यूटिंग है, चाहे तो आप इसे एंटर कर सकते हैं। अगर हम कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो हम एंटर किए बिना ही डायरेक्टली हमें जो चाहे वो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें हाई लेवल कंप्यूटिंग ही लिखना है तो हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ होता है और देखिए हमारा एक ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे सेव भी हो चुका है। हम चाहे तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो दोस्तों अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर इनको एक बार इंसर्ट कर लेते हो तो अपने डॉक्यूमेंट में ये सब सेट हो जाएंगे। दोस्तों ये कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमें बैक स्टेज व्यू में जाना पड़ेगा, मतलब हमें इस फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे बैक स्टेज में इन्फो ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ इस पेज के सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों एडिट करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के आगे यहाँ पे जो मोर आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमें एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है, हमें उसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों देखिए क्लिक करते ही हमें इस पेज के प्रॉपर्टीज़ को एडिट करने के लिए हमें एक पॉपअप विंडो मिल जाता है। दोस्तों हमें इसके अंदर इंसर्ट करना होगा अभी, जैसे कि यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, मैं यहाँ पे टाइटल ऐसे ही दे देता हूँ, एमएस वर्ड 2016, और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर लिखूँगा कंप्यूटर, और यहाँ पे ऑथर जो है एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैनेजर ऑप्शन में मेरा नाम लिख देता हूँ, और यहाँ कंपनी फील्ड में हाई लेवल कंप्यूटिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो कैटेगरी है इसके अंदर सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, और यहाँ कीवर्ड्स में लिख देता हूँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, और यहाँ कमेंट में लिखूँगा वेरी गुड, और यहाँ हाइपरलिंक में वेबसाइट लिख देता हूँ, और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद मैं इस पर ओके प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमारे इस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी अब सेट हो चुका है। चलिए फिर से बैक चलते हैं। अब दोस्तों इंसर्ट टैब में जाके और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और हम इनमें से कुछ ऑप्शन को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे इस कंपनी का मैनेजर का नाम लिखना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ इस क्विक पार्ट्स में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे मैनेजर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, और मुझे यहाँ पे कुछ और इंसर्ट करना है तो मैं फिर से यहाँ पे क्विक पार्ट्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे अब कंपनी इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। इस तरह से हम क्विक पार्ट्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है फील्ड का ऑप्शन है, हम हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों क्लिक करते हैं यहाँ पे फील्ड का एक पॉपअप विंडो आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे फील्ड्स लिस्टेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। हम इनमें से जितने चाहे उतने फील्ड को सेलेक्ट करके
इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे ऑथर इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ऑथर मैंने एक्स वाई जेड दिया था, देखिए इसके ऊपर क्लिक करते ही वो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है हमें। यहाँ पे देखिए हम उस ऑथर के नेम को अपर केस में भी रख सकते हैं या फिर लोअर केस में भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट कैपिटल में भी या फिर टाइटल केस में भी रख सकते हैं। दोस्तों मैंने वहाँ पे कैपिटल में नाम दिया था, तो अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मैं लोअर केस में अब इसको इंसर्ट कर देता हूँ ऑथर नेम को। तो फिलहाल मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लोअर केस में हमारा ऑथर नेम आ चुका है। चलिए और एक बार करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ जाके फील्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही फील्ड का विंडो ओपन हो जाता है। दोस्तों इस बार मैं कीवर्ड इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और मैंने कीवर्ड्स में दिया था कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। और दोस्तों अब मैं इसको अपर केस में रखूँगा और अपर केस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमने इस पेज के प्रॉपर्टी में जो भी कीवर्ड्स लिखे थे वो यहाँ पे आ चुके हैं और वो सब अभी अपर केस में ही आ चुके हैं। सो इस तरह से हम दोस्तों इस फील्ड के ऑप्शन को यूज़ करके कुछ भी फील्ड हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके भी इंसर्ट कर सकते हैं और फील्ड में भी जाके इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी का ऑप्शन। दोस्तों इसका मतलब अगर हमें इस डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट हमें बार बार यूज होता है तो हम उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बना के रख सकते हैं ताकि हम उसे आसानी से कहीं भी यूज़ कर सके। चलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे इस डॉक्यूमेंट में ये जो पार्ट है हमें बहुत यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे डेट है। दोस्तों अब मान लो कि हमें ये बार बार यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, दोस्तों इसे एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के सेव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी सेलेक्ट करके हम इस क्विक पार्ट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए क्लिक करते ही क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है और ये नेम ऑटोमेटिकली ले लेता है। हम चाहे तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं और ये गैलरी में जाएगा, क्विक पार्ट गैलरी में, और यहाँ पे कैटेगरी जनरल है और यहाँ पे देखिए सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसका मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर सेव होगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये अभी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर सेव हो चुका है, हम इसे जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया है और अब मुझे क्या करना है, मेरा कंपनी का नेम और एड्रेस को क्विक पार्ट से लेना है। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक अभी क्रिएट होके सेव हो चुका है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करते ही ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पेज में आ चुके हैं। इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ पार्ट को सेलेक्ट करके बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे बना के क्विक पार्ट में सेव कर सकते हैं। दोस्तों और एक ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र का ऑप्शन है। इसका मतलब हमने जो भी ऑटो टेक्स्ट या बिल्डिंग ब्लॉक सेव किया है वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑटो टेक्स्ट, जो भी है, कवर पेजेस, इक्वेशंस, फुटर्स, हेडर्स, जो भी है यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कवर पेजेस का भरमार है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ये एक कवर पेज है, शायद आप इस कवर पेज को भी देखे होंगे। देखिए यहाँ पे कई प्रकार के वो जो कवर पेजेस हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम चाहे तो इन्हें यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इनके प्रॉपर्टीज़ को एडिट भी कर सकते हैं और हम इन्हें हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहे वहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्विक पार्ट्स है दोस्तों ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और कुछ क्विक पार्ट्स को हम बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पहला वाला है ऑटो टेक्स्ट का, जो लाइन हमने क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इस तरह से हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ।
देखिए यहाँ पे तो अब पूरा ऑप्शन हो चुका है और मैं डॉक्यूमेंट नया ले लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जैसे मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, एमएस ऑफिस के पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को कभी यूज़ मत करना, ये इल्लीगल होता है। आपको ऑनलाइन में इसका जेन्युइन वर्जन डीवीडी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन से परचेस करके अपने पीसी में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन से परचेस करने के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दिया है, आप वहां जाके एमएस ऑफिस की डीवीडी को परचेस करके अपने डॉक्यूमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।